भाई रोड व्हीलर वाली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो भाई पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद पता लगेगा कि ये वीडियो है किस चीज़ की। तो रोड व्हीलर की बेल आइकन पे ऊपर शो हो रही है जी वीडियो, और अगर बच्चे अच्छे लगें तो कमेंट जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है जी बच्चे तैयार करने में। तो भाई सबसे पहले जो बच्चे तैयार करने के लिए, ये तो बाद में सबसे भाई जी, सबसे पहले आता है सेरेलेक, ये है 6 नंबर, वीट एंड एप्पल, वीट भी मिलता है इसके अंदर, वीट एंड एप्पल भी ले सकते हो। और मेरे हिसाब से तो वीट वाला लो, क्योंकि एप्पल वाले में छोटे छोटे से कण होते हैं जो बोतल से निकलते नहीं है, जो शीशी से हम फीडिंग कराते हैं ना, जो बच्चों की दूध पीने वाली शीशी होती है, तो उससे वो कई बार फंस जाते हैं, फिर उसका सुराग जो बड़ा करना पड़ता है, फिर अगर हम कई बार बच्चा एकदम ज़्यादा निगल ले तो गल में फंसने का भी दिक्कत रहती है। देखो यार, तो ये दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डिब्बा आप ये यूज़ करो, पहला वीट वाला करो। ये हो गया जी सबसे पहले 15 दिन पे शुरू, 15 से लेके 18 दिन तक आप सेरेलैक पे रखो, बढ़िया जब तक वो निप्पल को पूरा पीने लग जाए। और भाई उनके साथ साथ 15-16 दिन पे ये सबसे बढ़िया चीज़ है जी हिमालय की है, इम्यूनल, मतलब ये इम्यूनिटी के लिए है, बच्चा ताकि ग्रोथ करे अच्छी और कोई बीमारी आसानी से उसको पकड़ ना पाए। ठीक है जी, मल्टीविटामिन कोई ज़्यादा महंगा नहीं है यार, A to Z है। ठीक है जी, और भाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है लीफ 52, ये भी आप सुबह शाम दो दो बूंदों से शुरू करो, जब बच्चा 3 दिन का हो जाए तब से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, सबसे बढ़िया चीज़ ये है। और भाई इसके साथ ये एक प्रोडक्ट है जी, ये चीज़ गटवेल, गुटवेल भी बोल देते हैं, गटवेल भी बोल देते हैं, ये आपको पेट शॉप से मिल जाएगा, ये पाउडर की फॉर्म में होता है वाइट कलर का, इसके अंदर एक स्कूप दिया होता है, अगर आप फीड करा रहे हो बच्चों को सेरेलैक तो इसको ऐड कर दो, बच्चों का पेट खराब नहीं होगा। ठीक है जी, और भाई कई बंदे बोलते हैं कि हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली है तो बच्चा फैट नहीं गेन कर रहा जी। देखो अगर फैट बच्चा गेन करेगा, सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जी सेरेलैक के अंदर, प्रोटीन को हजम करने के लिए आपको लीफ 52 देना पड़ेगा। और भाई उसके बाद भी अगर वेट गेन नहीं हो रहा है बच्चों का, तो भाई उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोटीन, ये भाई बॉडी बिल्डरों वाला प्रोटीन नहीं यार, डॉग्स का स्पेशल आता है, देखो कोई नहीं बताता जी, सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ है हमने यूज़ किया हुआ, ये देख सकते हो आप, दिख रहा है जी, ये सबसे बढ़िया प्रोटीन है जी, सम्फर के नाम से आएगा, सम्फूर भी बोल देते हैं, इसके अंदर 15% प्रोटीन है और 6% फैट है जी। इसके आप 2 स्कूप क्या छोटे है चम्मच आता है इसके साथ, वो आप दे सकते हो एक टाइम पे खाने में बच्चों को। और भाई ये 2 टाइम फीड कराओ और मदर के नीचे बच्चों को रखो, और मदर के नीचे रखने के बाद भी आप दिन में 4 टाइम उनको, हर टाइम मतलब हर 3-4 घंटे बाद फीडिंग दो मदर की, तो ये है कि एकदम से दूध उतारती है फीमेल, तो सारे बच्चे अगर इक्वली पियेंगे तो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे, कोई छोटा बड़ा साइज में बच्चा नहीं आएगा जी। ठीक है, आपके जो कमेंट्स हैं भाई बड़े वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, आप जिस वे में बच्चे तैयार कर रहे हो आप प्लीज़ करके हमें भी बताओ, आप क्या देते हो खाने में, ये चीज़ें आप भी यूज़ कर रहे हो या हम ही यूज़ कर रहे हैं इनको, और अगर आपने हमारी वीडियो देखने के बाद ये यूज़ किए हैं तो इनका कोई रिजल्ट अच्छा आया है या कोई आपको दिक्कत आई है वो भी प्लीज़ शेयर करें। देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, भाई एक चीज़ सबसे लास्ट में ये है, जब आप इसको यूज़ कर लोगे तो भाई इससे ऊपर कोई भी फूड नहीं है। ठीक है, रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर, अगर बड़े बच्चे हैं और अगर बच्चे छोटे टॉय ब्रीड के कर रहे हो तो मिनी स्टार्टर में आएगा ये, तो आप मैक्सी स्टार्टर यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी भाई कई भाई इसको ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी के साथ, मान लो पीस लेंगे और उसको बोतल से फीड करा देंगे, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई इसको आप 1 घंटे पहले गर्म गर्म पानी में भिगो दो, पूरा उबलता हुआ पानी होगा जो, उसमें इसको आप भिगो दो, और भिगोने के बाद या तो आप चम्मच के साथ थोड़ा सा मैश कर लो इसको, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, अगर वो भी रहता है थोड़ा सा तो एक ग्राइंडर आता है वो, आप कोई भी जैसे जग ले रहे हो कोई जार ले रहे हो उसके अंदर आप वो किया वो मिक्स कर लिया, ताकि वो इजीली से बोतल के साथ फीड हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन के साथ भाई मैं यूज़ करता हूँ कर्ड, कई भाई दूध यूज़ करते हैं बट मैंने आज तक कभी भी बच्चों को, जैसे ये है कि मदर फीड कर रहे हैं दूध पे वो ठीक है, उसके बाद जो भी मान लो रोल कैनन दे रहा हूँ तो मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ दही, दही को आप इस हिसाब से यूज़ करो क्योंकि गाढ़ी होती है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लो कि ये लिक्विड बने, ये पेस्ट ना बने, इसको लिक्विड के तौर पे आप दो बच्चों को, और जब बच्चे हो जाएंगे आपके 22-23 दिन के करीब हो गए तो आप उनको कटोरी से फीड कराना शुरू कर दो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके सेरेलैक को बंद कर दो। और हाँ भाई ये जो सेरेलैक है इसको एकदम से मत बंद करो, जैसे आप 4 स्कूप सेरेलैक के दे रहे हो
तो उसमें आप 3 स्कूप सेरेलैक के करो, 1 स्कूप इसका मिक्स करो रॉयल कैनिन का, आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 दिन के बाद इसको आप कम करते चले जाओ सेरेलैक को, इसको बढ़ाते चले जाओ। और जब बच्चा 25 से 26 दिन के करीब आ जाएगा तो आप रॉयल कैनिन पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब रॉयल कैनिन ही यूज़ कर सकते हो उसके लिए। बाकी आप एक बार तैयार करके देखो जी, अगर आपको ये डाइट अच्छी लगी है, कोई कमी लगी हो तो भाई ज़रूर बताओ यार, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बार बार ये बोलता हूँ भाई, क्योंकि YouTube पे ज्ञान पेलने वाले हर कोई है भाई, हर कोई मिलेगा, कोई किसी के प्रोडक्ट की ऐड करेगा, रॉयल कैनिन वालों ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया जी, इन्होंने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया भाई कि हाँ कोई मेरी ऐड कर दे यार, या ये बड़े बड़े ब्रांड है भाई, ठीक है, इनकी मैं क्या ऐड करूँगा, मेरे तो थोड़े सब्सक्राइबर हैं यार, ठीक है, और शायद वो भी जाएँ आपकी वजह से, आप ज़्यादा भी हो जाएँ, तो भाई मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ जी, मैंने ये खुद यूज़ किए हैं। रोटवाइलर का लीटर अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो में रोटवाइलर का लीटर मैंने डाला हुआ है जी, वो आप देख सकते हो, 25 दिन के बच्चे दिखाए हैं उसके अंदर, और भाई नेचुरल है, कुछ और इनसे अलग मेरे हिसाब से देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जी। अगर मान लो ये है कि आप जैसे सेरेलैक भी यूज़ कर रहे हो, सेरेलैक पे भी फैट अच्छा ग्रोथ करता है बच्चा, अगर उसके बाद नहीं करता तो तब यूज़ करो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई फालतू खर्चा करने की, क्योंकि डॉग्स कोई वो नहीं है यार कि आप इनको पूरा रिंकल दे दोगे, फलाना दे दोगे, फैट 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 भी जरूरी नहीं भाई, बच्चा दिखना भी अच्छा चाहिए, मेन मोटिव ये है, और बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं भाई। देखो आप जैसे प्रोटीन दोगे तो पेट में इन्फेक्शन थोड़ा बहुत आता है, जैसे फूड चेंज करते हो तब भी आएगा, तो भाई उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है, आप इसको यूज़ करो बस, ठीक है जी। बाकी धन्यवाद भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो भाई थोड़ा सा हौसला बढ़ा दिया करो, अगर नहीं लगी हो तो कमेंट्स में भी हौसला बताया करो भाई, बता के कि हाँ भाई यहाँ पे ये कमी थी, ये इम्प्रूव करो, क्योंकि भाई जी देखो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, मैं आप ही के कारण यहाँ तक हूँ, ठीक है, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं है जी, अपना आपके लिए वीडियो है, आपको अच्छी लगेगी आप सराखों पर बिठाओगे, बुरी लगेगी डंप कर दोगे वीडियो को, ठीक है जी, धन्यवाद।